गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय सभी राशियों का आज का राशि पर एवं कुछ खास टिप्स की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समस्या आपकी, समाधान हमारा। आपके खिलाफ मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कोख स्तंभन, विदूषण, अम्ली या सिपली, किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग किया गया है, हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, मैनुअल जन्मपत्री निर्माण, ग्रह शांति, सुंदरकांड, महामृत्युंजय जप, सत्यनारायण कथा, विवाह आदि संस्कार के लिए गुरुजी से इन नंबरों पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मोबाइल नंबर 9807225523, व्हाट्सएप नंबर 9807225523। अब हम आपको राशि परिचय विषय में जानकारी दे रहे हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लीजिए। समस्या यहाँ पे ये है, कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलके बनते हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्यों हम आपको रास्ता बताएंगे। देखो भाई, दो अक्षर से मिलके बनने वाला अक्षर प्रा होता है और प्रा से बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि प्रांजुल, प्रीतम सिंह। अब आप क्या करेंगे, तो भाई प्रा को आप पास देखें, कहने का अर्थ ये है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलके बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि त्रिलोचन, त्रिभुवन। अब आप क्या करेंगे, तो भैया त्रा को आप त्रा से देखें, कहने का अर्थ ये है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलके बनने वाला अक्षर श्रा भी होता है। श्रा से भी बहुत लोग के नाम होते हैं, जैसे कि श्री राम, श्रीकांत। अब आप क्या करें, तो भाई श्रा को आप श्रा से देखें, कहने का अर्थ ये है श्रा को आप कुंभ राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलके बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम हैं, तो आप क्या करेंगे, तो भाई ज्ञा को आप गा से देखें, कहने का अर्थ ये है ज्ञा को आप मकर राशि में देखें, ठीक है ना। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं। सभी राशियों की राशि फल की जानकारी देंगे। एरिस यानी मेष राशि, तो मेष लग्न राशि के जातकों, आज आपको धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, माता को कष्ट होने के योग हैं, छात्रों को विद्या का विशेष लाभ मिलेगा, संतान को सुख प्राप्त होगा। आपके लिए विशेष उपाय है गणपत स्त्रोत का पाठ करिएगा, इससे आपका दिन शुभ गुजरेगा, शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है 9, 18, 27। टॉरस यानी वृषभ राशि,
बिरसिंह लंगराज के जाप को आज पिता को कष्ट होने की योग दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कामों में बाधा आएगी, साहस में कमजोरी महसूस होगी, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, माता का सहयोग प्राप्त होगा। आपके लिए विशेष उपाय है, अपने भोजन में सफेद चीजें शामिल करिएगा, इससे आपकी दिक्कत परेशानी कम हो जाएगी। आपके लिए शुभ रंग है सफेद, शुभ अंक है 6, 15, 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग राशि के जातकों आज खर्चा बढ़ने के योग दिख रहे हैं, परिवार में मतभेद होने के चांस हैं, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, साहस बल ऊंचा रहेगा। विशेष उपाय, तुलसी के पौधे में एक लोटा जल चढ़ाइए, इससे जो है आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। आपके लिए शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है 5, 14, 23। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग राशि के जातकों स्वास्थ्य के प्रति सावधान हो जाइएगा, मन शांत रहेगा, आयु को लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं, परिवार में सहयोग मिलेगा, धन लाभ होने के योग हैं, पुण्यों की शक्ति का लाभ मिलेगा। आपके लिए विशेष उपाय है, पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी का प्रबंध करिएगा, इससे जो है आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। आपका जो है शुभ रंग है सफेद, शुभ अंक है 2, 11, 29। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग राशि के जातकों आज रोजगार मंदा रहेगा, पति या पत्नी को कष्ट होने की योग दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने की चांस हैं, बाहरी स्थान के संबंधों को सतर्क रहिएगा, संबंध बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा परंतु शरीर में कुछ कमजोरी महसूस होगी। आपके लिए विशेष टिप्स है, आज के दिन मांस मदिरा से दूर रहिएगा, तो इससे जो है आपकी परेशानी कम हो जाएगी। आपके का शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है 1, 10, 19, 28। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग राशि के जातकों आज आमदनी मंदी रहेगी, भाई बहन में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, चिंता बढ़ेगी, साहस में कमजोरी महसूस होगी, परंतु बाहरी स्थान से सहयोग मिलने के योग दिख रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा। विशेष उपाय, गणेश जी को मोदक चढ़ाइए, इससे आपकी दिक्कतें परेशानी कम हो जाएंगी। आपके लिए शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है 6, 15, 24। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग राशि के जातकों आज पिता को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, सरकारी कामों में बाधा भी पड़ेगी, दिमागी टेंशन बढ़ने के योग हैं, छात्रों को विशेष मेहनत करना पड़ेगा, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ाएं, इससे जो है आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। आपका शुभ रंग है सफेद, शुभ अंक है 6, 15, 24। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग राशि के जातकों आज भाग्य में बाधा पड़ेगी,
माता से भी मतभेद होने की दिखाई दे रहे हैं, आयु को नुकसान पहुंचने की योग हैं, पुरुषों की शक्ति का को हानि पहुंचेगी, यानी गुप्त शक्ति भी आज आपकी मदद नहीं कर पाएगी, धार्मिक कामों में मन लगेगा, यश मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाग्य प्रबल है तो विशेष उपाय आपके लिए है, चने की दाल का दान करिएगा, इससे आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। आपके लिए आपका शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है 3, 12, 21, 30। कैपिकार यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों, आपको आज थोड़ा सा धन का लाभ होगा, परिवार में मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं, रोजगार मंदा रहेगा, बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने की योग दिख रहे हैं, पति पत्नी में भी आपस में मतभेद होने के चांस हैं, तो आपके लिए विशेष उपाय है काली गाय को रोटी खिलाएं, इससे आपकी दिक्कतें परेशानी कम हो जाएंगी। आपके लिए है शुभ रंग नीला और शुभ अंक है 8, 17, 26। कुबेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों, आज स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा, झगड़े झंझट की भी स्थिति आपके सामने आ सकती है, दिमागी टेंशन बढ़ने की योग दिखाई दे रहे हैं, रोजगार मंदा रहेगा, पति या पत्नी को कष्ट होने की योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय ये है आपके लिए, आज आप मांस और मदिरा से दूर रहिएगा, इससे आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। आपका जो है शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है 8, 17, 26। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों, आज छात्रों को विशेष मेहनत की आवश्यकता है, संतान को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे, बाहरी स्थानों के संबंधों के प्रति सावधान रहिए, शत्रुओं से बुद्धि और वाणी से निपटा जा सकता है। आपके लिए खास टिप है, जेब में पीले रंग की रुमाल रखें, इससे आपकी परेशानी दूर रहेगी, दिन अच्छा बीतेगा। आपका शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है 3, 12, 21, 30। अगर अपनी राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपने राशिफल को लग्न से देखें, अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तो अपने लग्न की जानकारी हमसे कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे पॉपुलर वीडियोज हैं। जय माता दी।